लॉकडाउन के बाद से ही प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों की तरफ निकल पड़े हैं और हजारों मीलों का सफर तय करने को मजबूर हैं। लेकिन इसी बीच अब इन्हीं मजदूरों के दुर्घटना के शिकार होने की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर बहराइच मार्ग पर, जहां 41 मजदूरों को जम्मू से ला रही प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। ऐसा बताया जा रहा है कि ड्राइवर को बस चलाते हुए नींद आ जाने की वजह से ये घटना घटी। कहां से आ रहे थे आप? जम्मू से। जी। कितने लोग थे इसमें? 41 लोग थे जी। इस बस दुर्घटना में घायल 2 मजदूरों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि बचे हुए 39 मजदूरों को दूसरी बस में बिठाकर बहराइच की तरफ रवाना किया गया है। नहीं, क्षेत्र से नहीं, मतलब हम लोग हाईवे पेट्रोलिंग पे हैं और वो बस यहाँ, मुझे लगता है ड्राइवर सो गया था तो पेड़ से जाके टकरा गई थी। आए तो 41 लोग थे, जिसमें मात्र 3 लोग घायल हैं, बाकी सब सुरक्षित है। वो भी बहुत हल्के घायल हैं, उनका इलाज करा कर उनको रवाना। तो सर, आपको यहाँ से कैसे पता लगा? मैं हाईवे पेट्रोलिंग पे, हम लोग पेट्रोलिंग पे हैं, आदेश हुआ है कि आप लोग पेट्रोलिंग पे रहेंगे लगातार, उसी में। ठीक है, धन्यवाद। ये तो अच्छा हुआ कि पेट्रोलिंग करते हुए पुलिसकर्मियों के रहते मदद सही समय पर पहुंचा दी गई, वरना यह हादसा बड़ा रूप भी ले सकता था और जानमाल का भी नुकसान ज्यादा हो सकता था। लेकिन सरकार के इतना अपील करने के बावजूद भी मजदूर अपने आप इंतजाम कर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं और तभी से ऐसी घटनाएं बढ़ गई हैं। तो क्या मजदूरों को भी थोड़ा और सब्र रख कर सरकार की मदद पहुंचने का इंतजार नहीं करना चाहिए? सीतापुर से न्यूज के लिए शानू की रिपोर्ट।